तो इस तरीके से आपको ब्लैक पेस्ट कट करना है। ब्लैक पेस्ट जो है ना, यहाँ से इतना SMD टेम्परेचर रखना है, ग्लू आसानी से रिमूव होगा। हाय फ्रेंड, मैं नाम आकाश और आज के इस वीडियो में गाइस वीवो की जो है वो ब्लैक पेस्टेड को किस तरीके से कटिंग करना है वो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद MMC को किस तरीके से रिवॉल्व करना होता है, और MMC जो है वो जब आप UFI में कनेक्ट करते हो और अगर वो कनेक्ट ना हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी गाइज। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि क्या फैक्ट है ज़मीन पे जो है ना, अगर हम काम करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने अभी ये फ़ोन को किया है, तो इस फ़ोन के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है कि हम इसे नहीं रिपेयर कर सकते, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और फिर क्या सोल्यूशन है, अगर ये जो है ना आपको वीडियो के एंड होने के बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, तो गाइस मेरे पास ये जो है वो वीवो Y15 फ़ोन है, जिसमें मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि चलते चलते जो है वो फ़ोन डेड हुआ है, और कस्टमर का कहना है कि चलते चलते डेड हुआ था, और अभी मैंने जब कंप्यूटर में चेक किया है तो ये ऑटो पोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ऑटो पोर्ट ले रहा है, तो मैं एक बार क्या करूँगा, यहाँ पे जो है वो फ्लैश करके मैंने देख लिया, फ्लैश में DA का जो है वो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, MMC, खैर मैंने वो सारी क्लिप जो है वो शूट की थी, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास जो लैपटॉप है वो पुराना वर्ज़न है काफ़ी, तो कभी कभी इसमें जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो वर्क नहीं करता। तो वो जो मैंने लैपटॉप के अंदर शूट किया था वो शूट तो खैर मेरे पास है नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर शूट हुआ नहीं था। वो प्रॉब्लम मेरे साथ अभी भी चल रही है, कभी कभी मेरा लैपटॉप सही हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी हम जो है वो ब्लैक पेस्टेड को कटिंग करेंगे। हीट जो है वो मैंने यहाँ पर अपनी SMD की जो रखी है वो 240 है, और एयर जो है वो 2 के आसपास है, 2.5 के आसपास है लगभग एयर, तो आप इतना रख सकते हो, डिपेंड करता है। देखो मेरे पास जो है ना वो क्विक 85AD, ये लोकल वाली जो है वो मशीन है, तो इसीलिए जो है ना मैं इससे इस तरीके से कटिंग किया। यहाँ पे आप वीडियो में देख पाए होंगे कि किस तरीके से मैंने जो है वो IC कटर की मदद से जो है वो IC के साइड को कट किया। बेसिकली कट करते टाइम आपको इतना ध्यान देना है कि आपको ट्रैक नहीं कट करना है, हल्के हाथों से कट करना है। उसके बाद ये जो IC ओपनर आते हैं मार्केट में, इस IC ओपनर को आपको हल्का, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है गाइस, ज़्यादा अंदर, पूरा अंदर तक नहीं डालना है, खाली आप नोकी पे रख के ऐसा मोड़ोगे ना तो वो खट करके ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। उसके बाद जो है ना ये थोड़ा हार्ड पेस्ट होता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये पेस्ट लगाना है, फ्लैक्स लगाना है, जिससे क्या होगा वो पेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ होगा। तो आपको इस तरीके से हल्के हाथों से उसे पूरा क्लीन करना है। ठीक है, अब ये क्लीन करते टाइम आपको इतना ध्यान देना है, आपका इतना बैलेंस अच्छा होना चाहिए कि ट्रैक पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है वो ना निकले, क्योंकि अगर वो इंसुलेटर निकलता है ना तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो है ना गाइस वहाँ पे लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे अभी जो है हम थोड़ा वेट करने के बाद इसे अच्छे तरीके से रफ करेंगे और क्लीन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको क्लीन करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा शोल्डिंग आयरन जो है वो चेंज हुआ है गाइस, क्योंकि मेरे पास 3-4 शोल्डिंग आयरन है, जैसे JVM का है मेरे पास, और नॉर्मली जो है वो 25 वॉट का है, 30 वॉट का है, और फिर एक जो है वो 45 वॉट का है, तो ऐसे अलग अलग हैं, 20 वॉट का भी है। तो ये अलग अलग जो है कामों के लिए जो मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं वो अपने तरीके से करता हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं कौन कौन सी वीडियो में किस तरीके का यूज़ करता हूँ, आप उसे देख सकते हो। ये काफ़ी हार्ड पेस्ट होता है, जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जल्दी क्लीन नहीं होता, बहुत मतलब मगजमारी करनी पड़ती है आपको अच्छे तरीके से। तो ये इस तरीके से जो है ना ये बिट से आप रगड़ोगे तो वो निकल जाता है पेस्ट, यही रीज़न है कि मैं यहाँ पे जो है वो रगड़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 25 वॉट का होगा, DC शोल्डिंग आयरन है ये। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से रफ़ करेंगे,
रफ करने के बाद ना गाइस इस आईसी को रिबॉल करेंगे, और रिबॉल करके जो है ना वो फिर से मैं इसे लगाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें बताई जाती है, लेकिन मार्केट में आपके पास ऐसे बहुत सारे वीवो के मॉडल्स हैं, मतलब जिसमें आप MMC अगर ख़त्म हो गए तो फिर स्वाइपिंग के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं। और ये जो रियलिटी है फील्ड की वो लोग नहीं बताते। अच्छा अच्छा तो हर कोई बता रहा है गाइस, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ है वो भी आप जानो, जो हकीकत है वो जानो। ये हो सकता है मेरी नॉलेज में इतना ही है, लेकिन आपके पास अगर कोई नॉलेज होगी ना तो आप मुझे ज़रूर बताना। अभी मैंने यहाँ पे रिबॉलिंग कर ली, अब रिबॉलिंग के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। करने के बाद हमने जो है ना UFI में कनेक्ट किया तो MMC जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, हो सकता है कि आपकी हैंड स्किल प्रॉपर ना हो, IC पे हीट लगी हो, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं उतने ही हीट पे काम करता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें सक्सेस हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें उतने ही हीट पे अनसक्सेसफुल रहती है, तो ये चीज़ें भी होती है। अब MMC डेड होनी थी, ख़राब थी, डेड होनी थी, या हो सकता है ऑटो पोर्ट ले रहा था कस्टमर का पहले से ही ख़राब हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जो है ना MMC चेंज का प्रोसेसर होता नहीं है, वीवो के बहुत सारे मॉडल में MMC चेंज का प्रोसेसर आया नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ कि कोई मेरे पास दूसरा ब्रांड का फ़ोन है जिसमें मैं कर भी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आएगी ना कि TP पॉइंट से अगर मेरे को समझो टेस्ट पॉइंट होता है, खैर इन फ्यूचर प्रैक्टिकली भी दिखाऊँगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जनरली एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि क्या रियलिटी है। अभी अगर आपके पास जो है ना MMC भी हो, आप MMC जो है वो चेंज भी कर सकते हो। मान लो मेरी ये MMC जो है वो ख़राब है, अभी कुछ मतलब की नहीं है ये, ठीक है, जैसे आपकी जो पेन ड्राइव होती है या SD कार्ड ख़राब हो जाता है, वैसे ये भी है, ये भी ख़राब होता है, ठीक है। अभी ये ख़राब हो गया अगर मान लो, तो ये इसके अंदर जो है ना RPMB का डाटा होता है या फिर CPU से कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो बहुत सारे जो कंपनियों ने क्या किया कि वो बना दिया तो वो मैच नहीं होता। अब RPMB तो ये डेड MMC से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, रिकवर नहीं होगा। और दूसरी चीज़ अगर मान लो वो भी हमने कर लिया, डम फाइल भी सूटेबल हो इंटरनेट से, तो अब कस्टमर के पास इसका IMEI नंबर का बिल अगर ना हो तो भी आप नहीं बना सकते। अब अगर आप वहाँ पे IMEI नंबर चेंज करके फ़ोन को बनाते हो तो आप इनलीगल एक्टिविटी करते हो। एज ए इंडियन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आप IMEI नंबर किसी भी फ़ोन में अपडेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कुछ भी अपडेट नहीं है, आप IMEI के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी टूल्स इसकी परमिशन नहीं देता। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कारीगर पैसे के लिए, पैसे बनाने के लिए जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। देखो आप जब तक बच रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई एक रात या कोई एक सवेरा आएगा जो आपके इस काम का भांडा फोड़ कर देगा, और फिर आपने जितना भी कमाया है उसका 10 गुना 20 गुना 50 गुना आपको भरना पड़ सकता है। तो इनलीगल एक्टिविटी मत करो गाइस, MMC चेंज करने में ये कांड बिल्कुल मत करो। अब ये फ़ोन को हम जो है ना वो बना नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये जो फैक्ट है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन कोई भी यूट्यूबर ने आपको ये फैक्ट जो है वो बताने की कोशिश की, आप लोग मुझे बताना कि किसी ने भी नहीं बताया। जो ऑन फील्ड अगर आप काम कर रहे हो ना, तो जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके का है, वीवो के किसी भी फ़ोन में अपडेट नहीं है। अगर देखो आपके पास हो सकता है या आपको किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग में दिया हो तो प्लीज़ मेरे ये नंबर पे कांटेक्ट करना, मुझे भी बताना। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसमें तो अभी तक नहीं है, मेरी जो कॉन्टेक्ट है उसके अंदर भी मैंने लगभग सभी लोग से बात की तो ऐसा अभी तक है नहीं। खाली MI के कुछ ज़्यादातर मॉडल्स हैं जिनमें हम MMC चेंज करते हैं सक्सेसफुली, या फिर Realme 3 में भी हो जाता है बहुत, बाकी ज़्यादातर फ़ोन में ओप्पो में भी बहुत मुश्किल है, वीवो में भी बहुत मुश्किल है।
तो ये फैक्ट है जो आपको इंस्टीट्यूट में ना नहीं बताया जाता। तो मुझे आपको इतना ही बताना था गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे अभी तक नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मेरी मोबाइल रिपेयरिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।